सनसेट देख रहे हो, हम लोग नेत्रहाट जाने वाले थे लेकिन किस्मत खराब या फिर अच्छा बोलो, ये नया पॉइंट मिला है सनसेट के लिए। ओहो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आदमी लगे हुए हैं देख रहे हो गियरबॉक्स उठाने के लिए। थार की शक्ति उठाइए हल्का सा आगे से। लव यू राजा। तुम रहा तो तुम भी राजा। हम जा रहे दीपांशु का घर और सीन कुछ ऐसा है मार्केट का। पब्लिक रिएक्शन देखो, ऐसे देख रहे हैं बाप रे। तपन डर जा रहा। ओहो रोशनी, ये उसका बालकनी है और पहाड़ ही पहाड़। महुआ डांड का सबसे आलिशान बंगला। तो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेत्रहाट, और मेरे साथ है मेरा बड़ा भाई नीलेश। तो कहानी आज की ये है कि कल रात में गाड़ी ख़राब हो गया था, मतलब कल दिन में ख़राब हुआ था, लेकिन सामान आने में 7 बज गया तो फिर बन नहीं पाया, अभी सुबह स्टार्ट होगा। और वैसे थैंक्स टू दीपांशु कि हम रात में दीपांशु के घर में रुके। तो हर एक जगह पे कोई ना कोई मदद के लिए आ ही जाता है। तो आज नीलेश देखो अभी जा रहे हैं वहाँ, गाड़ी जहाँ बनता है वहीं पर फिर बनवाते हैं, क्या सीन है देखते हैं। चलो पहले यहाँ कर ले। और ये नया क्लच प्लेट आ गया, प्रेशर प्लेट आ गया, नंबर सेक्सी लग रहा है। नहीं आज होगी इसकी मरम्मत। कितना टाइम लगेगा बड़े भाई? 3 घंटा अभी शुरू कर रहे हैं। इसके बाद जो भी होगा आपकी गाड़ी, आपके अलावा हम अभी किसी का गाड़ी नहीं देखेंगे। सामान ले आए हैं, सामान दे दिए, अभी बनेगा, करीबन 3 घंटा लगेगा। हम लोग जा रहे हैं चाय पीने, यहाँ का फेमस लेमन टी पिलाने वाला है। ऊपर कैफे डाल का कैफे है और रूप टॉप। ये हमारी चाय आ गई, धन्यवाद भाई, लेमन टी स्वाद ले। खास नारायण दोस्त, जबरदस्त नारायण, मजा आ गया, धन्यवाद। मेरा एक खासियत है कि कुछ चीज़ अच्छी लगने लगता है ना, मतलब जिंदगी में कुछ चीज़ अच्छा लगे तो उसे दबा के मारो। कहानी ये है कि चाय बहुत सुंदर है, इतना सुंदर चाय पिलाया नीलेश, तो और एक चाय महुआ डाड के नाम। हाय हाय दिन बन गया, चाय पीना हो गया। अब चल रहे हैं हम लोग गाड़ी के पास। कभी भी आओगे लाल चाय चाहिए महुआ डाड में होटल राजू, यहाँ सारी चीज़ मिल जाती है। ये डाल्टनगंज वाले रोड में हमारे आते तक में क्लच प्लेट डल चुका है और गियरबॉक्स को भी सेट करना होगा क्योंकि ये डाउन टू अर्थ हो गया और भैया लगे हुए हैं बड़ा जोर से। चलिए चलो, उधर है कि नहीं आदमी? उठाइए हल्का सा आगे से, आगे से उठाइए, सपोर्ट देते हैं। हमारे विकास भैया है। गुड मॉर्निंग। ठीक है राजा, चलो मिलते हैं ना एकदम, फिर मिलेंगे। ठीक है आएंगे, अभी कुछ ट्रिप का प्लान करते हैं ना। चलो कुछ ट्रिप प्लान करो, रांची मिलते हैं। ठीक है भाई, बाय बाय। चलो भाई। तो भाई नीलेश भी चला गया अब और गाड़ी बन गया, 15 मिनट बनने को बाकी है, उसके बाद लेकर निकलते हैं। हमारा बिरयानी रेडी हो रहा है वहाँ पर, तो जाते हैं गाड़ी लेके भोजन करेंगे फिर निकलेंगे। फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो गया अब और भैया टेस्ट ले रहे हैं, सब ओके है ना? फिटिंग करना पड़ेगा, फिटिंग कीजिए और राउंड मारिए, चकचका के तबाही कर दीजिए। चले भैया टेस्ट राइड में, पावर तो बढ़िया सप्लाई कर रहा भाई। फाइनली गाड़ी कंप्लीट और रॉकेट के माफिक जा रहे हैं और हॉर्न और थोड़ा देख साइड का। तो भैया गाड़ी बन गया, हम जा रहे हैं दीपांशु का घर और सीन कुछ ऐसा है मार्केट का। पब्लिक रिएक्शन देखो, ऐसे देख रहे हैं बाप रे। तपन डर जा रहा है भाई, इतना खतरनाक दिखते हैं लोग, देखिए आप भी देखिए। जय 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 जय। जब हम जाइए सर थोड़ा आगे,
चलिए पब्लिक रिएक्शन देखे भाई लोग। दीपांशु का आवाज पहुंच गए हैं वैसे, और इस जगह की खूबसूरती आपको दिखलाएंगे। इसका घर कितना बवाल जगह पे है। ये है भाई का घर। मेरा घर के चारों साइड पहाड़ी पहाड़ है। तो चलो अंदर चलते हैं, मुआयना कराते हैं इसके घर के आसपास के दृश्यों का। तो सुंदर दृश्य से घिरा हुआ है ना घर आपका। वो तो दूर दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन उतना भी ज्यादा दूर नहीं है, करीब ही है। हाँ। लेकिन बहुत सुंदर नजारा है। धूप के चलते मतलब रहना गया है ना। हाँ। इधर का पहाड़ नहीं दिख रहा है। हाँ। चारों तरफ से पहाड़ दिख रहा है, तो अच्छी लग रही है। सूरज डूबता होगा तो बहुत सुंदर लगता होगा। हाँ, देखने जाता है सनराइज ना। सनराइज सनसेट। हाँ। तो सनराइज हम लोग यहीं से देखते हैं, घर से सनराइज, यहाँ से सनराइज, उस साइड में सनराइज और इस साइड में सनसेट। सनसेट तो ऐसे ही पहाड़ों के पास घर बनाने का यही एक फायदा होता है। इसीलिए शहर छोड़ो, गांव में आओ, खुशियां बहुत है प्रकृति के साथ। दीपांशु का घर से कुछ ऐसा भी हुआ। एक सेकंड। ओहो रोशनी, ये उसका बालकनी है और पहाड़ी पहाड़। महुआ डांड का सबसे आलिशान बंगला मेरे भाई का। बिरयानी को घुमाना है नहीं भैया, अंकित गानी कैसे बनाया अंकित भैया, बताइए। सुंदर तो स्मेल कर रहा। हाँ करेगा बिरयानी, बहुत ड्राई हो गया। जाएंगे तब तो आएंगे, जाएंगे तब आएंगे। चलिए जैसे जाएंगे तब फिर आएंगे। आएंगे एकदम। यहाँ बाय बोलिए। बाय। ऐसा ऐसा ठीक है, थैंक्स मैन। इसी की वजह से हम लोग बहुत सुंदर खाना, बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत सारा सब चीज़ मिला यहाँ पे। तो धन्यवाद बहुत ज़ोर से दीपांशु को। ये है दीपांशु, स्मार्ट सा एकदम सफ़ेद दांत वाला। चलो तब ठीक है ना दीपांशु। बढ़िया काल धन जय जय। बढ़िया काल के काल ठीक। फॉर्मर का जा रहे हैं हम लोग, जरूर आएंगे। हैप्पी हैप्पी मतलब बहुत बढ़िया, जरूर आएंगे। पुलाव बना के खिलाना ठीक है। ये तम्मा बाबा चलिए भाई ठीक है। प्यार बहुत प्यार मिला, बहुत मोहब्बत मिला हमको, तो जाने मन नहीं कर रहा था किसी को, नहीं कह रहा था जाने, लेकिन क्या करेंगे काम सब। थोड़ा दीपांशु का घर आने के लिए थोड़ा फ्रॉड करना पड़ता है, ये कहानी है। अब सीधा मिलता है मनीष के पास, मनीष के पास जाना है, कुछ कुछ सामान लेना है, उसके बाद निकलेंगे रांची। रात हो जाएगा आई होप कि 12 बजे। आगे ऐसे कुछ नज़ारे हैं, सोहर पार्ट गए थे ऐसे, और हम जा रहे हैं नेत्रहाट क्योंकि मास्टर हमारा इंतज़ार कर रहा है, यानी कि मनीष। कुछ सामान लेना है, भेंट भी करना है, क्योंकि इतने समय तक साथ में था। तो वहाँ चलते हैं घाटी, आगे घाटी ख़त्म करके मनीष के पास, फिर रांची। लगभग रात हो जानी है आज फिर से।
तेरी सनसेट देख रहे हो। हम लोग नेत्रहाट जाने वाले थे लेकिन किस्मत खराब या फिर अच्छा बोलो, ये नया पॉइंट मिला है सनसेट के लिए। ओह देख लो बवाल लग रहा है अभी जगह भाई, जबरदस्त बहुत मजेदार है। मजा आ गया, मजा आ गया। देखो सूरज उधर चला गया और यहाँ पे चांद है और ये भाई अभी चल रही है, दन से ऐसा सौ पकड़ रही है, बहुत मजा आ रहा है। फिर से झारखंड का गौरव नेत्रहाट में आपका स्वागत है। चल मनीष, धन्यवाद, दो दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चल मिलते हैं ना, बाय बोलो, सब परिवार वाले हैं। चलो ठीक है, चलो रास्ते में मिलते हैं। बहुत प्यारा इंसान है हमारा नेत्रहाट का राजा। अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और आने में 3-4 घंटा लग गया क्योंकि रास्ता थोड़ा सा घुमावदार था ना। तो अभी आए हैं, जस्ट सबको घर छोड़े फिर हम आ गए, फिर अभी मस्त सोना है जी क्योंकि 2 दिन से कैंपिंग, फिर एक भाई का घर, तो फिर अपना घर वाला नींद आप समझ सकते हो। तो कहानी ये थी कुछ दिनों की, तो आप इसे इंजॉय करें और आई होप कि वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे अपने दोस्तों के साथ बस। और अपना दिन का 10 मिनट हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो फिर मिलते हैं फिर एक नए वीडियो पे, तब तक आप अपना ध्यान रखो, हम भी अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।